आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया वन विभाग वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एवं स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग टीम के द्वारा जिला जेल के पास मोहल्ले में पहुंचकर छापामार कार्रवाई करते हुए मौका स्थल की जांच की जा रही है। वहीं इस पूरे वन विभाग के एसडीओपी कुलदीप त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए कहा कि विगत कई दिनों से लगातार सूचना मिल रही थी कि जिला जेल के पास मोहल्ले में निवासरत सोहन लाल कोरी के द्वारा लकड़ी का अवैध फर्नीचर मार्ट का काम किया जा रहा है, जहां वन विभाग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर लकड़ियों को जब्त करके उसके बिल की मांग की गई है। साथ ही पूरे दस्तावेज की जानकारी मांगी गई है और उनकी मिलान के बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो प्रकरण दर्ज करके माननीय न्यायालय में चालान किया जाएगा। वहीं स्थानीय निवासी सोहन लाल कोरी ने बताया कि मैं विगत कई वर्षों से फर्नीचर बनाने का काम कर रहा हूं, मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं, रजिस्ट्रेशन है और फीस भरकर काम कर रहा हूं। जहां वन विभाग की टीम मेरे यहां आई हुई है एवं जांच कार्रवाई जारी है। पेशी उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। मैं कुलदीप त्रिपाठी एसडीओ बन उमरिया हूँ। मुझे विगत कई महीनों से सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे सोहन लाल कोरी हैं, जेल बिल्डिंग के पीछे रहते हैं, उनके द्वारा लकड़ी का अवैध फर्नीचर मार्ट का काम किया जा रहा है। तो उसी तारतम में आज हमारे रेंजर और डिप्टी साहब हैं जो उमरिया के, उनके द्वारा मांग की गई थी सर्च वारंट, तो मैंने सर्च वारंट जारी किया था और सोहन लाल कोरी जी के घर पे परिसर में जहाँ का वो पता दिए थे और इनका एक दुकान भी है उसमें भी हम जांच करेंगे और एक दूसरा अभी नया घर बन रहा है उस परिसर में कुछ लकड़ी मिली है। तो आज हमारी टीम आके यहाँ पे जांच कर रही है, अभी जांच चल ही रही है। तो हम लोग इनसे बिल की भी मांग किए हैं, इनका अभी लाइसेंस भी इनको स्वीकृत नहीं हुआ है, इन्होंने आवेदन पहले शायद किया हुआ है। पूरे दस्तावेज हम लोग मिलान कर रहे हैं और जैसा भी जाँच में निकल के आएगा यदि ये दोषी पाए जाते हैं तो हम इसमें प्रकरण दर्ज करके न्यायालय में फिर चलाएंगे। मेरा नाम सोहन लाल कोरी है, मैं 20 वर्ष से ये धंधा कर रहा हूँ, लकड़ी का फर्नीचर बनाता हूँ और मैं 2 नंबर का काम करता ही नहीं हूँ। इसलिए कि एक बार मेरे पास परेशानी हो गई थी, उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा कुछ काम नहीं करता हूँ, ना जंगल कटवाता हूँ। तो मेरे पास पूरे बिल हैं, सब तरह के बिल हैं मेरे पास, मैंने इनकी फीस भरी है, रजिस्ट्रेशन है, हर तरह से जो है मेरे कागज कंप्लीट हैं। ये है कि कहीं और दूसरी जगह रखे हुए हैं तो वो हम आपको दिखाएंगे, फॉरेस्ट अधिकारियों को दिखाएंगे, पर ये है थोड़ी परेशानी तो होती है। बाद में जो है फॉरेस्ट की पूरी टीम यहाँ पहुँची मेरे घर पे और जब्ती बनाई जा रही है। मैं जब कागज बोल रहा हूँ कि हैं, मान नहीं रहे हैं, जब्ती बनाई जा रही है और अब जैसा इनको विचार में आए ले जाएं ना ले जाएं, इसकी कार्रवाई चल रही है।